गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर 3 का ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको कुछ ए बीज फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे। जैसे है अपने पास कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस का फॉर्मूला है, ठीक है। और कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस हो तो प्लस आ जाता है यहाँ पे। फिर साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होगा। साइन ए माइनस बी में क्या होता है, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, माइनस है तो माइनस। सिमिलरली टैन ए प्लस बी में टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन इंटू टैन बी। फिर टैन ए माइनस बी इक्वल्स टू टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन इंटू टैन बी। यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, नीचे माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, नीचे प्लस। ऐसी कोट वाले फॉर्मूले में ये वाली चीज़ को ऊपर लिख दिया, बट कोट ए कोट भी ऊपर आएगा फिर बाहर माइनस, सॉरी माइनस वन, नीचे कॉट बी प्लस कॉट ए। इसको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। अब कॉट ए माइनस बी है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। फिर है टैन 45 डिग्री प्लस ए है, जैसे आपके पास टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने भी देखा, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन इंटू टैन बी। तो ए यहाँ पे क्या है, टैन 45 है तो वन हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया वन प्लस टैन ए अपॉन वन माइनस टैन ए। अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, माइनस वाले फॉर्मूले में इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, सेम। फिर उसके बाद अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो तो बन जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी हो तो बन जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। कुछ ये फॉर्मूलाज भी हैं जो अपने करने हैं, ए बी फॉर्मूलाज बोलते हैं इनको, ठीक। इनके भी हाफ पे कुछ सम है हमारे पास, जैसे हमने वैल्यूट करना है साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री हमारे पास टेबल में वैल्यू नहीं है, तो हमने इसको वैल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 के फैक्टर्स बना देंगे साइन 45 माइनस 30। अब ये बन गया ए और ये बन गया बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 हो गया 1/√2, कॉस 30 हो गया √3/2, कॉस 45 हो गया 1/√2, साइन 30 हो गया 1/2। तो हमारे पास बन गया √3 माइनस 1/√2, गॉट इट। इसी तरह अगर हम साइन 75 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो कैसे निकलेगी, टेबल में इसकी वैल्यू नहीं है तो इसको ब्रेक कर दो 45 प्लस 30। फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 45 की वैल्यू पुट कर दी, कॉस 30 की पुट कर दी, कॉस 45 की पुट कर दी, साइन 30 की पुट कर दी। फिर एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आ गया √3 + 1/√2। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, अगर साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई हमें प्रूव करना है, ये है प्रूव दैट साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टैन ऑफ एक्स माइनस टैन ऑफ वाई अपॉन टैन ऑफ एक्स प्लस टैन ऑफ वाई। वही साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला खोल दिया, साइन ए प्लस बी का खोल दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हमें इसको क्या बनाना है, टैन की फॉर्म में लेके आना है। तो टैन की फॉर्म में लाने के लिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर देंगे, कॉस एक्स कॉस वाई की प्रोडक्ट से। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ऐसे डिनोमिनेटर को। तो कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया टैन एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, साइन वाई अपॉन में कॉस वाई होगा टैन वाई, ऐसे डिनोमिनेटर में आ गया। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। फिर है टैन 69 डिग्री प्लस टैन 66 डिग्री प्लस 1 इक्वल टू प्रूव करना है टैन 69 प्लस टैन 66 डिग्री। अब देखो टैन 135 डिग्री है, इस सब में भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, 69 और 66 है तो दोनों को प्लस करके टैन 135 लिख लिया। टैन 135 डिग्री है, इसका फैक्टर बना सकते हैं टैन 69 प्लस 66। तो इसको एज इट इज़ रख दो, टैन 90 प्लस 45, इसके ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन इंटू टैन बी। टैन थीटा 90 प्लस थीटा हो गया माइनस कॉट थीटा, ये एज इट इज़। माइनस कॉट 45 हो गया हमारे पास माइनस वन, तो हमारे पास आ गया माइनस वन टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन इंटू टैन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस वन प्लस टैन 69 इंटू टैन 66 इजिकल टू टैन 69 प्लस टैन 66 डिग्री। अब वन को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास बन गया टैन 69 डिग्री प्लस टैन 66 डिग्री प्लस वन इक्वल टू टैन 69 डिग्री इंटू टैन 66 डिग्री। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास काफ़ी हैं बुक में, वो सारी इस तरह से होंगी। टैन 3 थीटा वाला सम है वो, उसमें भी आप क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 इंटू कॉस थीटा प्लस पाई बाय 4। अब ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये सारे सम्स के आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। अब √2 लेफ्ट साइड लोगे जब आप, यहाँ हमें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लेके आना है, तो बी कौन है, पाई बाय 4, तो वहाँ से हमें पता लग गया कि हम इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे लेफ्ट साइड को। जो मल्टीप्लाई वाला है वो मैंने बाहर रख दिया, डिवाइड वाला अंदर है। √2 कॉस थीटा इंटू 1/√2 हो गया यहाँ पे,
माइनस साइन थीटा इंटू वन बाई रूट टू हो गया। फिर रूट टू कॉस थीटा, वन बाई रूट टू की वैल्यू होती है कॉस पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर की भी होती है, पर मैंने फॉर्मूला किसका बनाना है, कॉस ए प्लस बी का बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस पाई बाई फोर और यहाँ लिखेंगे साइन पाई बाई फोर, तो ये बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब रूट टू एज इट इज़ ठीक, तो बन गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद होते हैं तो सारा काम हो जाता है। तो ये बन गया रूट टू इंटू कॉस थीटा प्लस पाई बाई फोर, यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरह से मैंने रैंडमली सम्स पिकअप किए हैं। आप क्या है पूछ सकते हैं अगर और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई डाउट है तो एक्सरसाइज